हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडिंग मैथ्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ, चैप्टर नंबर 8, मैपिंग योर वे। ओके, यहाँ पर आप मैप देख रहे हैं इंडिया का। प्रॉपरली मैप को ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पर डायरेक्शन आपको इस मैप के अंदर डायरेक्शन दिख रहा है, नॉर्थ ऊपर की साइड है डायरेक्शन नॉर्थ, देन नीचे की साइड है डायरेक्शन साउथ, एंड दिस डायरेक्शन इज ईस्ट एंड हियर इज वेस्ट। ओके, ये डायरेक्शन आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करनी है, देन हमको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास है वो उनके आंसर्स देने हैं। द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली। कर्नाटका से बेंगलोर, कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलोर टू मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन दिल्ली। कर्नाटका स्टेट कहाँ है? ये रहा बेंगलोर। कर्नाटका के बेंगलोर से स्टार्ट किया है उन्होंने यहाँ से, देन दिल्ली मूव करना है। तो कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? तो पहला हुआ ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी एंड देन दिल्ली। ओके, इस टाइप से आपको मैप ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस के आंसर देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ टू दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल टूवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली। विच स्टेट डज इट क्रॉस। अब टीम पहुंची है जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में, तो वहाँ से नॉर्थ से जब वो दिल्ली की तरफ आएंगे, जम्मू एंड कश्मीर से दिल्ली की तरफ आएंगे, तो उनको डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे के साइड आएंगे। तो वहाँ पर आप कौन से स्टेट्स क्रॉस करेंगे वो? तो पहला हमको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, ये स्टेट्स क्रॉस करके टीम जो है वो दिल्ली आएगी। देन थर्ड क्वेश्चन है, नानू लिव्स इन गुजरात, नानूज फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल। नानू वॉन्ट्स टू विजिट हिज फ्रेंड, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रेवल। गुजरात से वेस्ट बंगाल जाना है, तो कौन सा डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे? तो यहाँ पर है गुजरात एंड यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। ओके, मैप में आपको प्रॉपरली दिख रहा है गुजरात टू वेस्ट बंगाल, तो कौन से डायरेक्शन? यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है ईस्ट, ये डायरेक्शन है ईस्ट, सो ईस्ट डायरेक्शन में हम उसको ट्रैवल करना है नानू को। ओके, देन है, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट है? यहाँ पर हम मैप देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर लास्ट है नॉर्थ में, इसके बाद कोई स्टेट नहीं है। तो आंसर इज नो। इज फिफ्थ नंबर, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट टू गुजरात? वेस्ट, गुजरात के वेस्ट में, गुजरात है और उसके वेस्ट में कोई स्टेट दिख रहा है हमको? नो, तो आंसर इज नो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर। दिल्ली से जयपुर कितना है? अगर सेंटीमीटर में हमको 1 सेंटीमीटर क्रॉस करें तो हमको पता चलता है कि सेंटीमीटर में जयपुर टू दिल्ली। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर दिख रहा है तो हम स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हैं। 0 दिल्ली तक है, 2.5 सेंटीमीटर है। अगर आप भी मैप के ऊपर स्केल रख के मेजर करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2.5 सेंटीमीटर है, इट मीन्स हुआ सी, आंसर सी, 250 किलोमीटर। ओके, एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल। तो जयपुर से भोपाल का जो डिस्टेंस है, जयपुर टू भोपाल, ये जयपुर टू भोपाल, तो अगर हम इसको मेजर करेंगे तो हमको स्केल से मेजरमेंट करने पर हमको पता चलता है ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। 0 पे 1 पॉइंट रखना है और 4 दूसरे भोपाल वाले पॉइंट पे नंबर रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्केल से मेजर करोगे तो आपको 4 सेंटीमीटर दिखाई देगा। ओके,
4 सेंटीमीटर इट मींस क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जयपुर फ्रॉम भोपाल, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, देन ग्राउंड लेवल पर, अब ग्राउंड लेवल पर अगर इसको चेंज करेंगे हम, जयपुर टू भोपाल, ओके, क्वेश्चन में जयपुर टू भोपाल है, ओके, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर को अगर हम चेंज करें तो 800 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट्स, तो इसको आपको मैप में देख के आंसर बताना है, कौन से स्टेट हैं जो 4 स्टेट से उसके सराउंडिंग 4 स्टेट है। अब देखिए यहाँ पे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के 3 स्टेट्स हैं। आप कोई भी ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर अगर महाराष्ट्र करें आप, तो महाराष्ट्र 5 स्टेट्स हैं। अगर कर्नाटका करें तो 1, 2, 3, 4 कर्नाटका है जो 4 स्टेट से सराउंडेड है। इस टाइप से आपको और भी स्टेट्स मिलेंगे जो 4 स्टेट से सराउंडेड है। ओके, फर्स्ट तो यहाँ पर कर्नाटका है, देन और आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ओके, एमपी भी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेट से है एमपी, जबकि कर्नाटका एग्जैक्ट 4 स्टेट से सराउंडेड है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया, इफ इट्स नेम इज नॉट इन द मैप फाइंड इट। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम आपको मेजर इसमें अप्रोक्सीमेट देखें, तो हमको यहाँ पर सबसे बिगर स्टेट दिखता है राजस्थान। कौन सा दिखता है, राजस्थान, है ना, तो हम अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, राजस्थान। विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन एरिया देन सिक्किम, सिक्किम से कौन सा एरिया हमारा 8 टाइम्स बिगर है। ओके, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसी में से हमको चेंज करना है, 8 टाइम्स बिगर हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर अगर हम सिक्किम देखें पहले कि सिक्किम कितना बड़ा है, सिक्किम इतना छोटा सा है। अब सिक्किम का 8 टाइम्स करें, अगर हम हरियाणा करें तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा इसको, 1, 2, 3, 4 और जो दूसरे स्टेट्स हैं वो बहुत सारा बिगर हो जाएंगे, 8 टाइम्स से ज़्यादा बिगर हो जाएंगे, तो इसमें आंसर आएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पर राजस्थान 7 टाइम्स बिगर है। ओके, डी का आंसर हो जाएगा हमारा 7 टाइम्स। देन द सी, बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट, द लुकिंग एट द वेस्ट वास्ट सी, द सी लुक्स एंडलेस, हैव यू सीन द सी एंड द पिक्चर, वेयर इज द सी, हाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया, वॉट कलर इज यूज टू शो द सी, सी को शो करने के लिए कौन सा कलर यूज किया है, ब्लू, तो यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है ब्लू। मार्क दोज स्टेट विच हैव द सी ऑन वन साइड, अब अगर हम मैप देखें यहाँ पर तो हमको ये सी के यहाँ पर स्टेट्स दिख रहे हैं, फर्स्ट है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, एंड देन यहाँ पर मिजोरम नहीं आएगा, त्रिपुरा। ओके, इतने स्टेट्स हैं जो जिसके एक साइड में सी है। नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कोई भी सी साइड नहीं है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी होगा, छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा, उत्तर प्रदेश होगा, ऐसे नॉर्थ के बहुत सारे स्टेट्स होंगे, उसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, आंसर में मध्य प्रदेश लिखेंगे। फाइंड आउट, लुक फॉर डिफरेंट मैप्स, कंपेयर द डिफरेंट स्केल यूज्ड इन द लोकल एरिया मैप। ओके, अब यहाँ पर साबू इज कन्फ्यूज अबाउट द लाइन्स
शोज बिटवीन द स्टेट्स. अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ग्राउंड पर कोई लाइन होती है, तो नहीं होती है. ओनली वहाँ पर यस एक टोल टैक्स होता है और बॉर्डर पर एक बोर्ड लिखा हुआ रहता है वेलकम टू हरियाणा. अब यहाँ पर ये ट्रैवल किया इन्होंने दिल्ली टू हरियाणा, सो वहाँ पर लिखा था वेलकम टू हरियाणा. आप किसी भी नए स्टेट में जाएंगे तो उसकी बॉर्डर पे आपको वो बोर्ड मिलेगा कि वेलकम टू हरियाणा. ओके, अब देन नेक्स्ट लेसन में हम लोग टाउन की डिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे मेजरमेंट के साथ. सो टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ यू.